नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी वैदिक गणित में जो एडिशन या जोड़ प्रक्रिया उसको कैसे हल करते हैं, और आज हम चर्चा करेंगे कि वैदिक विधि के द्वारा व्यकलन कैसे ज्ञात करें। व्यकलन का मतलब होता है घटाओ सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। आपकी क्लास फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ और टेंथ में आते हैं। हम लोग टेंथ की मैथमेटिक्स लेके चल रहे हैं, तो हम लोग टेंथ के ही एग्जाम्पल आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में व्यकलन वाला, तो आपको व्यकलन में चरण प्रक्रिया भी लिखनी है अगर आपने उसको कैसे कैसे सॉल्व किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। देखो, सबसे पहले व्यकलन करने के लिए हम लोगों को परम मित्र याद होना चाहिए। परम मित्र क्या होते हैं? परम मित्र होते हैं कि दो संख्याओं का जोड़ अगर 10 आता है तो एक दूसरे के क्या होंगे? परम मित्र, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो 1 और 9 10, 2 और 8 10, 3 7 10, 4 और 6 10, और 5 का परम मित्र क्या होता है? 5 ही होता है। इसलिए थोड़ा ख्याल रखना, 5 का परम मित्र 5 होता है, 1 का 9, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 6 और 5 का 5। अब देखो, सबसे पहले इकाई अंक देखते हैं अपन लोग। 3 का परम मित्र क्या है? 7। जो 3 का परम मित्र 7 है, उसमें अपन जो ऊपर की संख्या उसको जोड़ देंगे। 7 और 0 7 आ गया, और यहाँ लगा देंगे सूत्र एकाधिकेन चिन्ह। हम पिछले वीडियो में लोगों में सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण और संन्यान संख्या विधि के द्वारा एडिशन हल कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखो, यहाँ पे 6 था, एक अधिक हो गया तो हो गया 7। 7 का परम मित्र 3 है, 3 और 0 3, ये दूसरा चरण हो गया। इसके बाद आता है, यहाँ पे एक अधिक चिन्ह लग जाएगा तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखो सीधी सी बात है, 8 में से 3 ऐसे ही कट जाते हैं, तो 8 में से 3 गए तो 5, ठीक है। आपके इसमें 3 चरण हो गए, पहला चरण ये, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब हम थोड़ा एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखो इसमें एक खास बात है, ध्यान रखना, किलोमीटर मीटर और सेंटीमीटर हमने क्वेश्चन लिया है, लेकिन एक क्वेश्चन अगर आवर मिनट और सेकंड में आ जाता है, यानी घंटे मिनट और सेकंड में आता है, तो उसमें आपको खास ध्यान रखना कि उसमें 60 का होता है, यानी 60 सेकंड में 1 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा। तो हम यहाँ पर जब लेंगे तो 60 लेंगे, यानी कि 1, ठीक है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। और इसको इसमें तो देखो 100 1000, ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं। 5 में से 6 घटता नहीं है, तो 6 का परम मित्र क्या है? 4, ये रहा। तो 4 + 5 कितना हो गया? 9, ठीक है। अब देखो यहां लग गया सूत्र एकाधिक चिन्ह, 4 और 1 5। अब 3 में से 5 नहीं करता, 5 का परम मित्र 5, 5 + 3 कितना हो गया? 8, ठीक है। यहां लग गया एकाधिक एक चिन्ह, 7 में 6 आसानी से घट जाता है, अब उन्हें जरूरत ही नहीं है, 7 में 6 गया तो 1। अब देखो 6 में से 7 नहीं घटता, 7 का परम मित्र कितना है? 3, 3 और 6 9, यहां लग गया एकाधिक चिन्ह, और 4 में 4 गया तो 0, ठीक है। अब देखो यहां एकाधिक लगेगा नहीं, 7 में से 8 घटते नहीं है, 8 का परम मित्र क्या है? 2, 2 और 7 कितना हो गया भाई? 9, यहाँ लग गया एकाधिक चिन्ह, और 3 में 3 गया तो 0, और हमारा आंसर आ गया 9 किलोमीटर 91 मीटर और 89 सेंटीमीटर। इस चीज़ का थोड़ा खास ध्यान रखना, अगर आवर मिनट और सेकंड में आता है तो आपको 60, और अगर किलोमीटर मीटर और सेंटीमीटर आता तो 100,000 जो भी है वो लेना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में गुणन प्रक्रिया, ध्वजांक विधि, ये सब सीखेंगे, सूत्र निकलन विधि सीखेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपको रेगुलर चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूले, हमें बताइए कि हमें ये वीडियो है कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।